बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक टांगों पे है, टांगों में जो दर्द होता है, टांगों में सुइयाँ चुभती हैं, अचमी होती है आपको, बाज़ अवकात पूरे जिस्म में भी सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं। ये होता ज़्यादा टेम्परेचर में, जब आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है या आप धूप में बैठते हैं। सर्दियों में मोस्टली धूप में भी बैठते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में बैठेंगे तो पूरे जिस्म में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, और जो लेग्स में होती हैं, टांगों में सुइयाँ चुभती हैं, दर्द करती हैं, वो एक जो है ना, समझ लिया अलग मैटर है। इसमें बाज़ूकात ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा चल रहे हों तब भी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती है, टांगों के पिंडलियों में दर्द शदीद होता रहता है। जब आप आराम कर रहे हों तब भी ये सूरत हाल बनी रहती है, आप लेटे हों, आप बैठे हों, बाज़ूकात आप टांगे हिलाते रहते हैं कुछ लोग। इनमें होता ये है कि टांगों में शदीद सुइयाँ चुभने लगती हैं, दर्द होना शुरू हो जाती है। एक जगह पर टांगे आप रख भी नहीं सकते, पाँव रख भी नहीं सकते। इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो कि आप अपनी टांगों को रेस्ट नहीं दे सकते। ये होता बेसिकली किस वजह से है, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी में ये सुइयाँ चुभना जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं, आप आराम से कहीं बैठ भी नहीं सकते। ये किस्म की समझ लें कि आदत बन जाती है, टांगे हिलाना, बार बार टांगों को आगे पीछे करते रहना, बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप टांगे हिलाते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे। ये बात का जब बंदा ऊंचाई में जाता है या कोई सीढ़ियां वगैरह चढ़ता है तो उस वक्त भी शदीद हो सकती हैं। जिनको अभी स्टार्ट हो रही हो उनको ऐसी कंडीशन में जाके ने ये वाला होता है। ये बाज़ूकात तो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, जिनको मैदे की गैस बनती हो, गैस तजाबियत ज़्यादा होती हो, उनको भी कभी कभार जो है ना वो टांगों में शदीद दर्द हो जाता है। तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज भी आपको बताएंगे और होम फूड्स भी कुछ बताएंगे। पहले नंबर पे टांगों का मसाज करना चाहिए, कोई भी ऑयल वगैरह ले लें या नहाते वक्त टांगों को अच्छी तरह मसाज करें, उससे भी थोड़ा सा आपको सुकून मिलता है। जब आप हाँ लेटने सुकून से हो रहा हो तो तब भी आप किसी भी ऑयल का मसाज कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है और आप रेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन को कैसे पूरा करें बिना अदवियात खाए हुए, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आयरन बाज़ूकात मेडिसिन भी है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, आप ओरली भी ले सकते हैं, मुंह के जरिए भी खा सकते हैं, और इसके इन्फ्यूजन में डाल के आयरन के इंजेक्शन भी लगते हैं। लेकिन आयरन के इंजेक्शन सिर्फ उसी सूरत में लगेंगे जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपके जिस्म में आयरन की कमी है और आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही इंजेक्शन लगते हैं, इनको कहीं हम घर पे भी नहीं लगवा सकते। बाज़ूकात ऐसा होता है कि हम इंजेक्शन बाज़ार से ले आते हैं और घर किसी को बुला के किसी स्टाफ नर्स को या किसी भी मेडिकल के रिलेटेड बंदे को तो हम घर पे लगवा लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आयरन का इंजेक्शन कम अज़ कम आपको डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी लगवाना चाहिए, इसके शदीद रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो अभी चलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें दूध आ जाता है, दही है, पनीर है, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कैल्शियम की जो मकदार है ना वो आपके जिस्म में पूरी हो जाएगी। और फ्रूट्स में आप केला ले सकते हैं, इसी तरह बादाम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जिनको खाने से सब्ज़ सब्जियाँ हैं, इनके खाने से भी कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हमें कोकोनट लेना चाहिए, कोकोनट में भी अच्छी खासी मैग्नीशियम होती है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनमें भी अच्छी खासी मैग्नीशियम मौजूद होती है। इसके बाद आप गोश्त ले सकते हैं, इसके गोश्त ले सकते हैं और अंडे की जर्दी भी खा सकते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम की मकदार अच्छी होती है। चिकंदर है, चिकंदर में आयरन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें जो है वो खजूर है, दूध है, आप दूध भी पिया करें, दूध में भी जो है ना आयरन को कवर करने की ताकत होती है। खजूर है, जामुन है फ्रूट में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। चकंदर है, उसके बाद आप फ्रूट्स में सेब ले सकते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम और आयरन दोनों मौजूद होते हैं। मुर्गे का जिगर आ जाता है, मुर्गे के जिगर में भी आयरन मौजूद होता है। उसके बाद गाय का जिगर है, उसमें भी अच्छी खासी पोटेंसी होती है आयरन की। सुरख लोबिया और सफ़ेद लोबिया, जिसे राजमा भी बोला जाता है, इनमें भी आयरन की अच्छी खासी जाने मकदार मौजूद होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेडिसिन को ना लें, मेडिसिन के अलावा आप खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद टांगों की मसाज करें,
तो खाने के बाद फौरन ना लेटा करें, खा के आपको थोड़ी सी वॉक भी करनी चाहिए, उससे भी टांगों में जो है ना वो काफी सारा फर्क महसूस होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।